आए दिन हम सुनते रहते हैं कि यार यहाँ पे डेटा चोरी हो गया, वहाँ पे डेटा चोरी हो गया, यहाँ तक कि फेसबुक जैसी कंपनियों के भी डेटा सिक्योर नहीं है। तो इसी के चलते जो टेक्नोलॉजी है उसका नए नए विकास होता रहता है, कुछ हार्डवेयर बेस्ड होता है, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। मगर आज के इस वीडियो के अंदर हम हार्डवेयर बेस्ड एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है। आप सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यार कितना आसान वाली चीज़ है। टेक्नोलॉजी सुनने में हमको बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, मगर जब हम उनके बारे में जान लेते हैं हमको लगता है यार ये तो बहुत आसान वाली चीज़ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो किस तरीके से काम करता है। बेसिकली हमारे जो स्मार्टफोनों के अंदर फेस अनलॉक देखने को मिलता है और मिलता है हमको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। फेस अनलॉक में भी दो कैटेगरी होती है, एक तो होती है कैमरे से, नॉर्मली कैमरे से फोटो खींच ली जाती है जहाँ पर आँख कान नाक की जो दूरी होती है उनको एनालाइज कर ली जाती है और जब भी आप उसके सामने आते हैं तो इन्हीं डाटा को मैच करके वो आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। बेसिकली मेरे फोटो से नहीं खुलेगा मगर फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ जो होता है ट्विक्स लगा कर रखते हैं जैसे कि ये काम कर जाता है। और तो और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो सेकंड जो टाइप की टेक्नोलॉजी होती है वो होती है IR फेस अनलॉक। वहाँ पे बेसिकली में होता क्या है कि आपकी आँख से जो नाक तक की जो दूरी है इसको 3D में अनलॉक मतलब 3D में स्कैन किया जाएगा। अगर आप ऐसे खड़े हैं या फिर ऐसे खड़े हैं तो भी वो आपके फेस को अनलॉक कर लेगा। आपकी मतलब आँखें हैं वो कितनी अंदर धसी हुई है, आपकी जो नाक है वो कितनी बाहर है, तो इस तरीके की जो स्कैनिंग है वो उसमें की जाती है। तो इस तरीके से जो फेस अनलॉक हो जाता है। अगर हम फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको दो टाइप के फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलते हैं। एक तो होता है फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर और एक होता है अंडर स्किन फिंगरप्रिंट स्कैनर। फिजिकल वाले तो आप नॉर्मली जानते हैं कि शुरुआत में जो आया था iPhone 5S के अंदर वो फर्स्ट जनरेशन वाला था। वैसे HTC का एक फ़ोन था जिसके अंदर पहली बार आया था, मगर हम पॉपुलर जो हुए थे वो iPhone 5S से जानते हैं। इसके बाद अब की जो टेक्नोलॉजी है फिंगरप्रिंट स्कैनर की वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। अब आगे जो जनरेशन आ रही है वो आ रही है अंडर स्किन फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो इसी के साथ एक और एडवांस जो टेक्नोलॉजी आई है अंडर फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ वो है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किस तरीके से काम करेगी अल्ट्रावेव के साथ। अगर हम जानते हैं कि अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है वो कहाँ पर यूज जाती है, हमने बचपन में बेसिकली में सुना है कि जो अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है वो चमगादड़ यूज लेती थी। किस तरीके से कि अगर उसने मतलब अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी और वो वेव सीधी निकल गई तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर रास्ता सीधा है, मुझे किसी भी चीज़ से खतरा नहीं है। और वो वेव टकरा के उसके पास वापस आ जाती है तो उसको पता चल जाता है कि आगे रास्ता बंद है, तो अपने रास्ते को घुमा लेती है। तो इस तरीके से जो ये वेव है काम करती है। अब जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा उसमें भी ये सेम एज इट इज इसी तरीके से काम करेगी। इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली होगा क्या कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन से अपने थंब को रजिस्टर कर लेंगे और आप फिर से अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि जब भी आप अपना थंब मतलब स्क्रीन के ऊपर रखेंगे तो वहाँ से कुछ अल्ट्रासोनिक वेव निकलेगी, वो आपके थंब से टकराएगी। आपके थंब के जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी लाइंस हैं और जितने भी गड्ढे हैं उनको एनालाइज करेगी पुराने वाले डाटा से, और वो पुराने वाला डाटा और जो नीचे वाला जो डाटा आपने दिया है वो दोनों मैच कर जाता है तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, और डाटा मैच नहीं कर पाता है तो वो अनलॉक नहीं होगा। ये काम करेगा सिर्फ सेम एज इट इज़ ऐसे जैसे कि IR फेस अनलॉक काम करता है। IR फेस अनलॉक में कुछ अच्छी वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यूज ली गई है और यहाँ पर मेन काम करा जा रहा है, बहुत ही मामूली मतलब बहुत ही पतले पतले वाले जो काम किए गए हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहती है इस मामले में, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट है और फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है। और मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहूँगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं ये टेक्नोलॉजी वीवो की या ओप्पो की या फिर वन प्लस की है तो ये किसी की भी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली में क्वालकॉम की। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो स्नैपड्रैगन वाली जो कंपनी आप जानते हैं जो प्रोसेसर बनाती है क्वालकॉम, उसके द्वारा डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो अल्ट्रासोनिक वेव वाली जो टेक्नोलॉजी है फिंगरप्रिंट की वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट, कितनी ज़्यादा अच्छी और किस तरीके से काम करती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।